वो जमहूरी इकदार पैदा नहीं हो सकी जो एक जमहूरी माशरे का हिस्सा होती हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब पूरी कौम ने और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला देकर उनको वज़ीर आज़म के अहदे से हटा दिया, वो सियासत छोड़ देते, वो अपनी जो पार्टी है जिसमें सिर्फ उनके ख़ानदान का कब्ज़ा है वो छोड़ देते, अल्लाह अल्लाह करते, कुछ और करते। मगर वो अभी तक इक़्तदार के नशे में जो 30 साल से वो नशा उन पर तारी है, अभी तक वो हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इल्म है कि आज भी और कल भी और पूरी ये तो मीडिया पे भी आ रहा है कि मौजूदा कठपुतली वज़ीर आज़म जो ख़ुद एक बुरे इंसान नहीं हैं, वो हर काम के लिए हर बात के लिए नवाज़ शरीफ के मरहून मिन्नत हैं। और अभी तक उनके जो कारिंदे हैं जो रोज़ाना यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उनकी कोशिश सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को नाहल करार दे दिया जाए, इमरान खान को बदनाम किया जाए, जैसा कि कल एक वाकया हुआ। इनके लोग हमारे मुख्तलिफ लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे मरात देने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ नवाज शरीफ का साथ दो तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, ये मरात देंगे, वो चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में गालिबन कल या परसों नैब इनके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ और इनके औलाद के ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू करने वाली है और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुदैबिया पेपर मिल्स की तफ्तीश भी शुरू होने वाली है। हमें यह भी पता चला है कि शायद अब ये सोच रहे हैं कि लाहौर से जो बाई इलेक्शन 7 सितंबर को होने वाला है, 17 सितंबर को होने वाला है, वहाँ से शहबाज शरीफ खड़े ना हों, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि मरियम जो शरीफ हैं इनकी साहबजादी उनको खड़ा किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि अगर पंजाब से शहबाज शरीफ हट गए तो पंजाब को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और इस वक्त उनकी ताकत का राज यही है कि वो पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है। मैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन को मुतनब्बे करता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के आइन की ख़िलाफ़ वर्जी ना करो, खुदा के लिए झूठ की सरपरस्ती ना करो, खुदा के लिए लूट की सरपरस्ती ना करो। तुमने देख लिया तुम्हारे वज़ीर आज़म ने, साबिक वज़ीर आज़म ने किस तरीके से कौम के सामने झूठ बोला। 1.5 साल तक उन्होंने पनामा की हकीकत को छुपाने की कोशिश की और नाकाम हो गए। और आज ये अपने किराए